वो यहाँ पे पूरी तरीके से 4 अननोन के जो भीम थे वो खत्म हो चुके हैं। 4 अननोन वर्सेस 6s होता हुआ हमने उस दिन भी देखा था। 6s के स्क्वाड ने जिस तरीके से रोटेशन दिया है ना, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा इतना ज्यादा फास्ट रोटेशन कोई टीम देने भी वाली है। और मुझे लगता है यही चीज 4 अननोन के प्लेयर्स को पता नहीं थी और अपने 2 प्लेयर को वो खो चुके हैं। डेडसोल आनंद 2 प्लेयर बचे। डेडसोल की बात करें अभी भी सामने प्लेयर को खोजने की कोशिश कर रहे हो, फैब विप्रो को उन्होंने स्पॉट करा, डाउन किया, पूरी तरीके से खत्म करने की लुकाती है। डेडसोल ने बदला ले लिया फैब विप्रो से एंड यस बोलता ही बोलता है यहां पे स्टोनर वाइटी को भी डाउन किया तो 2v2 का सिचुएशन हो चुका है। देखते क्या होने वाला है। ओल्ड मंक ने यहां पे डाउन किया, ओके इल्यूमिनाटी को डाउन किया 1v1 ओल्ड मंक वर्सेस आनंद यहां पे होता हुआ। देखते हैं क्या होने वाला है। F1887 वर्सेस स्नाइपर, क्या क्लोज में स्नाइपर काम करने वाली है। यहाँ पे किल फिनिश कर दिया इतने ही देर में। देखते हैं क्या होने वाला। आनंद का रिवाइव दे पाएंगे बट हाँ स्टोनर को रिवाइव जरूर यहाँ पे मिल चुका है। 2v1 आनंद इसके साथ लास्ट पे बचे हुए थे, बहुत ज्यादा जरूर सुने होंगे और वो शॉट ऑलरेडी फायर कर भी रहे हैं। एडवर्ड यहाँ पे बचे हुए, वेल्स की बात करें वो अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। 9 किल्स के पास जरूर है इस वक्त, बाहर निकलने की कोशिश बट क्यों पता नहीं अकेले सर्वाइव कर रहे थे। ले ले तो मुझे लगता है नूक गैंग के प्लेयर को एक लो टॉस लेट दिया अगर उन्होंने कर दिया तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गोकू फाइन चांस में ओल्ड मंक, जिस तरीके से ओल्ड मंक ने यहां पे एंगल होल्ड करके रखा, गोकू फाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उन्हें ऑलमोस्ट डैमेज दे चुके थे, उन्होंने किया जरूर है। जोन पूरी तरीके से निकमा के खाते में जाता हुआ है। आर्मी स्मोक के आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, वो भी जोन के बाहर खत्म हो गए। नूक गैंग के मुझे लगता है एक आखिरी प्लेयर वो भी सरवाइव कर रहे थे और इसी के साथ एक अच्छा नेड आर्मन भी डाउन हुए। निकमा गेमिंग बिल्कुल सही। यहाँ पे देखते हैं लास्ट 7 के पास मैन एडवांटेज है, नो डाउट जोन के बाहर है। प्रॉब्लम जरूर होगा उनके लिए क्योंकि ऑलरेडी निगमा गेमिंग के प्लेयर्स सबको सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम एक और चीज की होने वाली है कि जोन के तो बाहर है ही है, पीछे से एमवाईएम की भी टीम आ रही है। LR7 फाइट ले रही थी, एमवाईएम का इस चीज का फायदा उठाया। EG ने 2 प्लेयर को डाउन किया, SU ने निंजा को जरूर डाउन किया बट यही चीज वो पूरी तरीके से एंगेज हो चुके हैं। एमवाईएम के साथ इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली है निगमा गेमिंग। देखते हैं क्या निगमा गेमिंग जिनको इतना ज्यादा फायदा हो चुका है, क्या वो पूरा गेम में लेके जाती है। नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे हुए स्काउट डाउन किया तो मुझे लगता है जल्दी से टाइम मिलेगा कि योगी को उठा दिया जाए। गेमिंग पीवीएल गेमिंग वेक्टर लिए हुए बहुत ज्यादा करीब। देखते हैं पीवीएल गेमिंग क्या कमाल करेंगे। यस उन्होंने क्रोनो शील्ड की एबिलिटी के अंदर वो घुस गए, सबसे अच्छी सांप पे ऑलमोस्ट आप देखिए सांप को 50% या 40% लेट जरूर कर दिया। गोकुल ने यहाँ पे नेट किया बट वहां पर सांप मौजूद नहीं है। पीछे से रिबो कवर फायर जरूर अच्छा दे रहे हैं और उन्होंने सतीश को ऑलमोस्ट 10 HP यहाँ पे किया बट एक बार मैं फिर से बोलता हूँ अगर सबर आर्मी ने क्लोज इन कर दिया पूरी तरीके से कब्जा उठ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आइडिया पहला नेट गोकुल का साइको डाउन अब हो चुका है पूरी तरीके से रश यहाँ पर। ये बिल्कुल बट सांप है अभी दूसरे साइड पे है बट गोकुल देख नहीं रहे थे कि सांप जस्ट उनके पीछे खड़े हुए थे। बड़ी इसी का फायदा सांप जरूर उठाएंगे। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, ग्लू लगाया, अपने जो प्लेयर थे उनको भी बचाया गया। बाहर तक जाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रोटेशन आता हुआ बट चांद उनको यहाँ पे सांप स्पॉट नहीं कर पाए। कोई प्लेयर किसी को स्पॉट कर रहा है, डाउन कर रहा है बट कुछ जरूर किया। अभी भी आप देखें एक प्लेयर को विलन को उन्होंने नीचे छोड़ रखा है ताकि जो नीचे स्क्वाड है क्रस्ट की स्क्वाड उनको पूरी तरीके से देखा जाए बट अभी भी नूब गैंग की स्क्वाड वो जोन के अंदर नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल सर, यहाँ पे 2 प्लेयर नूब गैंग के बट टीवीएस ने इसके साथ क्रस्ट esports को खत्म किया एंड यस 3v1 का सिचुएशन एंड देखते देखते मुझे लगता है यहाँ पे पूरी जल्दी से रिवाइव देंगे एंड फिर से निकलेंगे क्योंकि ग्रैपल दोनों के पास है बट अजीत को आप देख सकते हैं दोनों टीमों के पास ग्रैपल गन, सिर्फ ग्रैपल गन का यहाँ पे यूज होता हुआ। इसी के साथ सागर बचे हुए ब्लू बॉल के पीछे दोनों तरफ से घेर लिया। रेवन ने आप देखिए शिव आ चुके हैं यहाँ पे अपनी ऑग लेके AUG एंड इसी के साथ खत्म। टीम लावा से ना फाइट लेते हुए वापस आई सैंटा कैटरीना की तरफ बट वो भी 3 का सिचुएशन पीवीएस गेमिंग पलटवार करेगी बट नहीं होता हुआ। प्लेयर ओपी ने यहाँ पे पीवीएस गेमिंग को ही खत्म कर दिया। 2v4 सामने उन्हें भी कूद कर डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूकर यहाँ पे UMP 9 थे बट रोहित ने यहाँ पे पलटवार किया, डाउन किया ड्यूकर को, खत्म किया डीमन को यहाँ पे डाउन किया कूदते हुए इस बार के ऊपर से। 1v2 का सिचुएशन, डीमन को रिवाइव जल्दी मिलेगा। योगी इज द लास्ट प्लेयर, वो बच के भाग रहे हैं ऑलरेडी बट ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम उनके लिए होने वाली है। मुझे लगता है हाथ दिखाई दे गया होगा, क्या एक बिग प्लेयर को डाउन कर सकते हैं बट नहीं। अच्छे टाइम पे वहां पे अच्छे समय पे ग्लू वॉल का इस्तेमाल करा। पीवीएस का जो जोश पिछले मैच में था वो अभी तक कायम है। जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स, रवि भी इसी के साथ डाउन हो गया। पूरा यहाँ पे पूरी गेम का जो साइड था वो चेंज हो चुका है। 4v3 2 मैन स्क्वाड बची हुई है एंड रिपो ने यहाँ पे विवराडो को भी डाउन किया, बीम भी डाउन हो चुके। मुझे स्वास्तिक बचे हुए जरूर है, अकलौत से अपने स्वास्तिक ने एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे रिपो को डाउन किया। पीछे से सांप यहाँ पे साइको जरूर कवर फायर दे रहे बट सांप यहाँ पे देखिए 1v1 सांप को भी जरूर देख रहा हूँ। आगे के साइड पे जाता हुआ गॉड जोकर वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। राहुल थोड़ा सा और आगे जाते हुए बट अकेले यहाँ पे जाने की उनको जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी सारे प्लेयर आ जाए तो फिर जाए उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा और उसी की पनिशमेंट उनको मिलती हुई अकेले आए जरूरत है। उसी के चलते यहाँ पे गुरु की बात करें वो भी डाउन हो तो उन्होंने चेंज कर दिया 3 के डबल वेक्टर से निकालने के बाद और अब उन्होंने वेपन चेंज किया। क्यों चेंज कर रहा है डबल वेक्टर से लोग वेपन, मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। इस चीज़ के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा कि डबल वेक्टर से लोग ऐसे कैसे चेंज हो रहे हैं अचानक से। बट अननोन वर्सेस असैसिन आर्मी यहाँ पे चलता हुआ 2 प्लेयर यहाँ पे, बाकी तीसरे प्लेयर बैड बनी की बात करें वो पीछे के साइड पे कवर फायर जरूर दे रहे हैं। एक अच्छा नेट अंदर के साइड पर इसी के साथ कूल का बेहतरीन नेट। टीम के 3 प्लेयर यहाँ पे डाउन होते हुए एक आखिरी प्लेयर 4 रन का बचेगा पर मुझे लगता है रिवाइवल मिल जाएगा। जल्दी रश करते तो शायद यहीं के यहीं 4 रन पूरी तरीके से सेलिब्रेट हो जाते। ऑलमोस्ट अभी 2 प्लेयर उठ चुके हैं बट लोहा ने बहुत सारे लगाए गए। देखिए देखते हैं 4 रन कुछ कर पाएंगे नहीं। आनंद डाउन पूरी इसके साथ डाउन पाया यहाँ पे पूल ने पूरी टीम को यहाँ पे खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट अभी भी टाइम है और आप देखिए आखिरी ग्रेनेड बचा के रखा गया था यहाँ पे गोद्रू के द्वारा बट उसका भी कुछ खास इस्तेमाल हुआ नहीं। प्रॉमिस एंड बाकी प्लेयर निकलेंगे। गोद्रू की बात करो वो डाउन कैंपीसी के साथ एलिमिनेट हो चुके। प्लेसों के बाहर वो एलिमिनेट हुए उनके लिए ज्यादा बेहतर बट इसी के साथ LR7 की स्कोर इस मैच सागर जो बीच में देख सकते हैं। उसके अलावा संदीप गेमर और आकाश है। एक प्लेयर जो है वो आई डोंट नो कहां पर है बट संदीप गेमर यहाँ पे बहुत टावर से भाई ये इसी चीज की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल सही देखते हैं रेज है थोड़ा डाउन रेज है मे भी बच भी सकते हैं बट फिलहाल में जो हाइट है यहाँ पर सिक्सेंस के पास पूरी तरीके से यहाँ पे एक डोमिनेशन तो नहीं कहूँगा बट फिलहाल के लिए सप्रेशन जरूर हमें दिख रहा है। ऑलरेडी क्लोजर हो चुका है कैनन का यूज बहुत सही कैनन यहाँ पे राइट साइड से पर यहाँ पे योगी मौजूद है। ऑलरेडी बोनर डाउन का पैरन को पहला झटका पहला नॉक यहाँ पे आता हुआ सिक्सेंस का बट सामने से ओल्ड मैन का एक अच्छा नेट जो कि नेट्स के महारथी है। ओल्ड मैन उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज किया। दोनों टीम देखिए ये गेम लाइफ हैकर्स लेके जा रही है पूया 3v1 लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हुए फ्रॉम ब्लड बैचर आ रहे हैं। उन्होंने ट्राई